नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट इन्फोविजन। मैं चंदन मिश्रा स्वागत करता हूँ तहे दिल से। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप कम बजट से अपना लाइव क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे कोचिंग वाले हैं, मैक्सिमम कोचिंग वाले इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल लगा रहे हैं जिसका उसका लाखों का बजट है, डिपेंड्स ऑन साइजेस, ठीक है। फिर कैमरा लेना है उनको और लाइव स्ट्रीमिंग का इक्विपमेंट अलग अलग लेना होता है, तो हर कोई नहीं ले पाता क्योंकि कहीं ना कहीं बजट बैरियर है। इस लॉकडाउन में लोगों के पास पैसे कम है, कैश फ्लो बिल्कुल डाउन है, बच्चों की फीस नहीं आ रही है, राइट। बहुत सारे ऑफलाइन कोचिंग वाले थे जो शटडाउन के फेज में है, तो ये वीडियो हो सकता है कि उनको हेल्प करे, ये स्कूल को हेल्प कर सकता है। यानी इस वीडियो में मैं आपको एक टीचर का यूट्यूब चैनल दिखाऊंगा जिसमें वो प्रोजेक्टर के माध्यम से कितने अच्छी क्वालिटी का वीडियो बना रहे हैं, अपने मोबाइल से रिकॉर्ड करते हैं, उनके पास सैमसंग का A8 है, उससे वो अपना यूट्यूब चैनल पे वीडियो बनाते हैं स्मार्ट बोर्ड से। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे कि वीडियो इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल पे है कि प्रोजेक्टर पे है। देखिए, अगर वीडियो बनाने की क्वालिटी, कला और कंटेंट डिलीवर करने का, ठीक है, अगर आप रखते हैं अपने अंदर, तो कोई भी प्लेटफॉर्म, चाहे वो व्हाइट बोर्ड हो, चाहे वो टच बोर्ड हो और चाहे वो इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल हो, सब चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको जो सॉल्यूशन देने वाला हूँ वो मिनिमम 55 और मैक्सिमम 65,000 में आपका रेडी हो जाएगा, कैमरा उसमें अलग रहेगा। अब मैं पहले वीडियो दिखाता हूँ, वो वीडियो प्रोजेक्टर से कैसे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। मेरे स्क्रीन पे अब वो वीडियो आने वाला है, पहले आप ये वीडियो देख लीजिए प्लीज। ये फिजिक्स ब्रो सर का अपना एक चैनल है, तो आप देख सकते हैं ये पैनल है, शायद मुझे भी लग रहा है पैनल है, आप लोग बताइए पैनल है या प्रोजेक्टर है, यानी इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल या प्रोजेक्टर है। चलिए वीडियो देखिए, शैडो तो हल्का हल्का सा आ रहा है। ठीक है, देखिए लोग फोन करते हैं कि सर प्रोजेक्टर पे शैडो आएगा, बिल्कुल शैडो आएगा सर, लॉन्ग थ्रू में कितना आता है, शॉर्ट थ्रू में कितना आता है, ये शॉर्ट थ्रू प्रोजेक्टर है, ठीक है। अगर कैमरे की प्लेसिंग अच्छी है और कैमरा आप अच्छा यूज करते हैं तो प्रोजेक्टर को भी एज इंटरैक्टिव बोर्ड आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये सर अपने स्मार्टफोन से यूज करते हैं इवन, ठीक है। मैं तो वीडियो देख के दंग रह गया, मैं सोचा इस पर एक वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो ये प्रोजेक्टर है, इनके पास एक व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड कौन सा है, E3 व्हाइट बोर्ड है, यानी एक ऐसा व्हाइट बोर्ड जो रिफ्लेक्ट नहीं करता लाइट को। अगर आप भी जब लगाएंगे तो व्हाइट बोर्ड जो लगाएंगे वो रिफ्लेक्शन फ्री लगाएंगे, ठीक है। अब आप देखिए कि सर अपने बोर्ड पे प्रोजेक्टर डिस्प्ले हो रहा है और वो मार्कर से ही चीज़ों को आपके सामने समझाएंगे, आप टेक्स्ट क्वालिटी देख सकते हैं कि बहुत अच्छा आ रहा है। तो प्रोजेक्टर आप जब लेंगे तो HDMI पोर्ट वाला आप ले लेना, HDMI पोर्ट वाला प्रोजेक्टर शॉर्ट थ्रू होने से क्या है कि क्वालिटी आपकी और अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा वीडियो सर का देखिए, वो कैसे चीज़ों को समझा रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप का वीडियो आप प्रोजेक्टर है, अगर मेरे पास डिवाइस है, जो डिवाइस का वीडियो आपने देखा था, अभी मैं वो भी वीडियो दिखाऊंगा आपको, वो डिवाइस आप शॉर्ट थ्रू प्रोजेक्टर के ऊपर माउंट करेंगे तो आपका ये व्हाइट बोर्ड टच में हो जाएगा। अब इस पर आपको कुछ राइटिंग करना है या क्रॉप करना है इमेज, ठीक है, वो सारी चीज़ें भी कर सकते हैं आप। तो पहले आप वीडियो थोड़ा सा ये देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको वो वीडियो दिखाऊंगा, ऑलरेडी मेरे चैनल पे है वो वीडियो, जाके आप देख लेना, लेकिन आप इससे कंपेयर कराऊंगा उसके साथ आप इस टाइप का वीडियो कैसे बना सकते हैं। देख रहे हैं इनके जैसे खड़े हैं, जो इनकी प्लेसिंग है, कैसे ये पढ़ा रहे हैं,
कि ये लग ही नहीं रहा है कि ये प्रोजेक्टर पे पढ़ा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल है। और लाइटिंग क्या लाजवाब किया है सर ने, ठीक है। अब आपके पास टच पेन होगा तो आप यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूं कि जो वीडियो इंटरेक्टिव डिवाइस का मैंने बनाया है यूट्यूब के लिए, ठीक है, मैं वो वीडियो दिखाऊंगा, वो वीडियो एक बार आप देखिए, ठीक है। तो ये सेटअप कम खर्चे में, अगर आपके पास प्रोजेक्टर है तो प्रोजेक्टर आपको लेना नहीं है, ठीक है। और टच नहीं बनाना तो डिवाइस भी मत लीजिए, आप एक अच्छा सा कैमरा लीजिए और लाइव करिए, कंटेंट अच्छा होना चाहिए सर, ठीक है। उसके बाद तो आप पैनल ले लो, ऐप बनवा लो, बहुत सारी चीज़ें हैं, पहले स्टार्ट करो। मैं वीडियो इसलिए दिखाया कि प्रोजेक्टर के लाइट पे भी अगर कैमरे की क्वालिटी अच्छी हो, प्लेसिंग अच्छी हो, लाइटिंग अच्छी हो, तो पॉसिबल है एक अच्छा प्लेटफॉर्म। तो आप मेरी वीडियो देखिए जो नॉर्मल व्हाइट बोर्ड को ई टच में कन्वर्ट करता है, ठीक है, ठीक है। अब अगर जो सर का सेटअप था उस सेटअप पे अगर मैं ये डिवाइस लगा देता हूँ तो सर अपने पीपीटी पे, यानी आपके पास जो पीपीटी है, कोई इमेज फाइल है, तो आप उस पर ड्रॉ कर सकते हैं, आप उस पर लिख सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं। देखिए ये लॉन्ग थ्रू प्रोजेक्टर है, इसलिए जो टेक्स्ट है वो मेरे फेस पे आ रहा था। शॉर्ट थ्रू प्रोजेक्टर होगा तो टेक्स्ट जो है फेस पे नहीं आएगा, ठीक है, केवल हैंड का शेडो आएगा, बाकी और शेडो नहीं आएगा। आप वीडियो क्वालिटी देखिए कितनी बेहतरीन वीडियो क्वालिटी, स्मार्ट बोर्ड पे बनी है, ये व्हाइट बोर्ड पे बनी है। ये वीडियो आप जाके देख लेना, यूट्यूब चैनल पे है मेरा। तो अब मैं इसको, ठीक है, यहां से मैं इसको, तो आपने देखा ये एक कम बजट में अगर आपके पास प्रोजेक्टर है तो आप मुझे कॉल करना, मैं आपको आइडिया दे दूंगा कैसे आप ये कर सकते हैं, ठीक है। और आप अगर टच डिवाइस लेते हैं तो आप अपने ही जो वाइट बोर्ड है उसको टच में कन्वर्ट कर लीजिए। प्रोजेक्टर जो आप लीजिए, बहुत सारे लोग चाइनीज़ प्रोजेक्टर ले लेते हैं, चाइनीज़ इन द सेंस जो 10 से 12 हज़ार रुपये में मिलता है। देखिए 10-12 हज़ार रुपये में कोई प्रोजेक्टर नहीं मिलता सर, ठीक है। प्रोजेक्टर स्टार्ट होता है मिनिमम 24 से 25 हज़ार रुपये। प्रोजेक्टर ऐसा होना चाहिए अगर आपके क्लासरूम में, ठीक है, लाइट हो और सनलाइट हो, फिर भी वो अच्छी क्वालिटी का विजिबिलिटी रखता हो प्रोजेक्टर। नहीं तो जब आप फेस पे लाइट करेंगे ना तो प्रोजेक्टर का जो लाइट है वो दिखेगा नहीं कैमरे को। तो एक अच्छा कैमरा प्रोजेक्टर लें। देखिए शॉर्ट थ्रू प्रोजेक्टर आपको बैंक्यू, व्यूसोनिक या एप्सन में कोई भी ले लीजिए, अलग अलग शॉर्ट थ्रू का ये प्राइस लगभग 35-36 हज़ार के आसपास है, 33 हज़ार का भी है। लॉन्ग थ्रू प्रोजेक्टर जो है वो 24 हज़ार से स्टार्ट है। तो आप अमेजोन पे जाके ले सकते हैं, मैं आपको लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेक करिए और अच्छा प्रोडक्ट लीजिए, ठीक है। तो 60-65 हज़ार रुपये में आप टच डिवाइस के साथ आप अपना क्लासरूम रेडी कर सकते हैं, शॉर्ट थ्रू टच डिवाइस और आपका अपना लैपटॉप, फिर आप पीपीटी रखें, इमेज रखें, जो भी रखें आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे वो वीडियो अच्छा लगा इसलिए मैं ये वीडियो बना लिया। हो सकता है स्कूल को काम में आ जाए, कोचिंग को काम में आ जाए जिनके पास ऑलरेडी प्रोजेक्टर है। और आप लोगों के प्यार के लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग वीडियो देखते हैं, कॉल करते हैं, कहते हैं सर आप वीडियो अच्छा बना रहे हैं। देखिए मेरी भी कोशिश होती है कि मैं आपको एक अच्छा प्रोडक्ट दूँ, सस्ता या महंगे की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए जिसकी लाइफ अच्छी हो, जिसमें आप पैसा लगाएं तो आपका पैसा बेकार ना हो, ठीक है। बाकी मैं जुलाई में एक YouTube कोर्स भी लॉन्च करने वाला हूँ जिसमें सारे कोचिंग और सारे स्कूल्स के लिए होगा, वो अपने चैनल को कैसे ग्रोथ पे लेके आए, कैसे सर्च में लेके आए, ठीक है, कैसे गूगल पे सर्च में लेके आए, कैसे फेसबुक को में सर्च में लेके आए, यूट्यूब में सर्च में, तो वो सारा कोर्स मैं डिज़ाइन करने वाला हूँ स्कूल और कोचिंग के लिए, ठीक है। बाकी आप किसी भी काम के लिए, वो डिजिटल एजुकेशन का अगर है तो या आईटी का है तो आप हमें पिंग कर सकते हैं। हाँ, कॉल रिसीव नहीं हो पाता उसके लिए सॉरी, क्योंकि अभी टीम बाहर है, तो लॉकडाउन थोड़ा सा ठीक हो तो मैं टीम
और करके आपकी कॉल को डाइवर्ट करूँगा, IVR आ जाएगा तो प्रॉपर आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। इन बिटवीन आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दिया करिए, व्हाट्सएप लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में हमेशा होता है, ठीक है। आप अपने कोचिंग या स्कूल का नाम लिख के भेजा करिए सो दैट मैं सेव कर पाऊँ और आपको रिप्लाई कर पाऊँ। मैं कोशिश करूँगा कि हर किसी से इंडिविजुअल मैं खुद बात करूँ, ठीक है। तो मैं विदा लेता हूँ, आप बने रहिए, सेफ रहिए, और आपके हर एक सुझाव का मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। आप जो कमेंट में लिखते हैं और जो भी गलती है, छोटा भाई समझ के और बेटा समझ के, दोस्त समझ के माफ़ करना, और मैं और आगे वीडियोस लेके आता रहूँगा डिजिटल एजुकेशन पे, ठीक है। तब के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।